नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज हम लोगों के पास पहुंच रहे हैं और सवाल कर रहे हैं लोगों से डेरा सच्चा सौदा के बारे में, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह जिनसा के बारे में। सवाल करते हैं कि डेरा सच्चा सौदा किस धर्म को मानता है। जो अभी सवाल उठाए जा रहे हैं, जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, उसके बारे में पब्लिक का क्या मानना है, लोगों का क्या मानना है, ये हम लोगों के पास पहुंच रहे हैं, लोगों से सवाल कर रहे हैं। नमस्कार करमजीत जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। माता जी, डेरा सच्चा सौदा के साथ आप कब से जुड़े हुए हैं? 25 साल से। कौन कौन आता है माता जी आपके परिवार में? हमारा परिवार कुछ लोग आते हैं जी। कैसा लगता है आपको, मतलब जब आपका परिवार आता है, बहन बेटियां भी आती होंगी, तो कैसा माहौल लगता है आपको डेरा सच्चा सौदा? डेरा सच्चा सौदा में बहुत अच्छा माहौल है, बहन बेटियों के लिए कहीं और ऐसा माहौल नहीं है जैसा डेरा सच्चा सौदा में। गुरु जी के ऊपर कितना विश्वास करते हो? बहुत ज्यादा विश्वास है। गुरु जी के ऊपर विश्वास आज भी क्यों है आपका? आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया जो आज भी आप गुरु जी के ऊपर विश्वास करते हो? गुरु जी इंसान दे चोले विच खुद खुदा भगवान है। गुरु जी ने समाज के लिए या देश के लिए क्या काम किए हैं? गुरु जी ने देश के लिए, समाज के लिए इतने काम किए कि हम जो गिनाना चाहें तो गिना नहीं सकते। गुरु जी ने देखो जो गरीब परिवार है उनकी इतनी मदद की है, उनके लिए घर बनवाए, उनकी लड़कियों की शादी करी है, उनके बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था की है जी। अगर देखा जाए 3 साल होने वाले हैं गुरुजी अब समाज में नहीं है, तो अब क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर? समाज में जो बुराइयां गुरुजी ने सत्संग कर कुछ कम हुई सी, वो दोबारा फिर समाज में फैल रही हैं। जैसे नशा है, और भी लड़कियों नू लोग गर्भ च मार देंदे, इस वास्ते गुरु जी ने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई सी। पर यह सारिया बुराइयां ही हूँ, जो बुरे लोग है जो चाहते हैं भी समाज के जिन्हों का नशे का कारोबार है ही गुरु जी के विरोधी ने, बाकी जो अच्छे लोग है वो सब गुरु जी के साथ है। कि अज भी समाज नू गुरु जी की जरूरत है? समाज नू गुरु जी की अज बहुत ज्यादा लोड़ है। सरकार तो की मांग करोगे तुसे? असि सरकार तो यही मांग करते हैं कि साढ़े गुरु जी जल्द तो जल्द साढ़े बीच में हुए। एक और जो अभी आरोप लगाए जा रहे हैं, जो अभी बात दिखाई जा रही है डेरा सच्चा सौदा के बारे में या गुरु जी के बारे में, आपका क्या मानना है कि डेरा सच्चा सौदा में किस धर्म की शिक्षा दी जाती है? डेरा सच्चा सौदा में जो सभी धर्मों का सत्कार किया जाता है, किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ नहीं बोला जाता है। जो आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं उसके बारे में क्या कहना है? जे जो आरोप लगाए जा रहे हैं, गुरुजी सारे धर्मों का सत्कार करते हैं, हम सोच भी नहीं सकते इसमें 1% भी सच्चाई नहीं। जे जानबूझ के ही किसी शास्त्र विच ही गुरुजी नूं फसाया जा रहा है। किस तरह से लोग बोल रहे हैं कि जब से गुरुजी समाज में नहीं है, लगातार नशा है वो समाज में बढ़ता जा रहा है, लड़कियों के ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, जो सफाई ना होने की वजह से, मांसाहार की वजह से, कोरोना जैसी महामारी समाज में बढ़ती जा रही है, ऐसी ऐसी कुरीतियां समाज में बढ़ती जा रही हैं, और ख़ासकर यूथ है वो नशे में इतना घुसता जा रहा है कि टीनेज भी आजकल नशे में, अश्लीलता में फंसता जा रहा है, ये लोगों का मानना है। और लगातार ये लोग कह रहे हैं कि इस सोच से, इस जो गड्ढे से समाज को बचाने के लिए आज समाज को सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जिनसा की सख्त ज़रूरत है। खासकर जब से गुरुजी समाज में नहीं है, तब से ये समाज नशे की तरफ, बुराइयां की तरफ और दस्ता जा रहा है, ये लोगों का मानना है। इसे देखकर, जिस तरीके से हम लगातार लोगों से सर्वे कर रहे हैं, इनको देखकर लगता है कि जो ये सजा है ये गुरुजी को नहीं समाज को मिल रही है। आप लोग भी दोस्तों सोचिएगा और अपनी राय जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिएगा द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।